सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर सीजीओ गेमिंग में। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस बढ़िया रहना चाहिए। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा धांसू होने वाली है, क्योंकि गाइस इसमें आप लोगों को बताने वाले हूँ कि आप लोग अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। जी हाँ गाइस, आप लोग बिल्कुल सही सुने, बिल्कुल आप लोग अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो गाइस कोई भी हैक नहीं है, कोई भी फेक नहीं है। तो गाइस ये आप लोग भी कर सकते हो। तो गाइस बहुत सारे बंदों के पास डायमंड नहीं होते कि वो डीजे अलग कैरेक्टर ले सके या कोई सा भी बंडल ले सके। तो गाइस उनके पास पैसा ही नहीं होता है कि वो टॉपअप कर सके और डायमंड ले सके। तो गाइस आप लोग आज बिल्कुल बेफिक्र हो, आज मैं ऐसा एक ट्रिक लेके आऊँ जिसके मदद से आप लोग अपने गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो और जो चाहे वो ले सकते हो, जो चाहे डीजे अलग हो या करेक्टर कोई सा भी हो, क्रोनो करेक्टर या कोई सा भी बंडल हो, तो गाइस ले सकते हो। तो गाइज मैं जैसे जैसे स्टेप बताऊंगा उस स्टेप को फॉलो करते हो तो आपका भी ये ट्रिक वर्क करेगा और आपका भी गोल्ड कॉइन है जो डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइज चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को एक शेयर भी कर देना। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस आईडी में मेरे 3657 गोल्ड है। तो गाइज इसको मैं डायमंड में कर दूंगा। तो गाइज आप लोग देख सकते हो डायमंड इसमें जीरो है। तो गाइज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है गाइज, सबसे पहले आपको अपने स्टोर में चले जाना है। तो गाइज देख सकते हो मैंने स्टोर में आ चुका हूँ। स्टोर में आने के बाद डेली स्पेशल जो होता है गाइज उसको क्लेम कर लेना है आपको, और क्लेम करने के बाद गाइज उसको ओपन कर लेना है। तो गाइज देख सकते हो मैंने ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना, कट करके बैक चले जाना, और जाने के बाद गाइज अपने टॉपअप वाले सेक्शन पर चले जाना, और जाने के बाद गाइज 80 रुपीज़ पर आपको टैप करना है और कट कर देना। जी हाँ गाइज, आपको बिल्कुल 80 रुपीज़ पर टैप करना है और कट कर देना। तो देख सकते हो यहाँ पर मैंने 80 रुपीज़ पर टैप कर दिया और कट कर दिया। और गाइज ये कर देने के बाद आपको 250 रुपीज़ पर आप टैप करना और कट कर देना। तो गाइज आपको ऐसे ही सभी के पर टैप करना और कट कर देना। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने 250 पे टैप कर दिया, और टैप करने के बाद गाइज अब 400 पे मैंने टैप किया और कट कर दिया। तो गाइज आपको ये बिल्कुल करना है, अगर ये आप लोग नहीं करते हो तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो गाइज ये हो जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर से 800 पे आपको टैप करना और कट कर देना है। उसके बाद आपको 1600 पर टैप करना और कट कर देना है। तो देख सकते हो गाइज यहाँ पे मैंने 1600 पर टैप किया और कट कर दिया। उसके बाद से गाइज आपको 4000 पे टैप करना और कट कर देना। और गाइज ये कर देने के बाद आपका ये ट्रिक वर्क करेगा बिल्कुल। तो गाइज इसके बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर एक स्टेप मिस करते हो तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। और गाइज ये कर लेने के बाद आपको यहाँ से कट कर देना, कट करके बैक चले जाना, और जाने के बाद अपने सेटिंग में चले जाना है। और सेटिंग में जाने के बाद गाइज यहाँ पे क्लियर कैच का ऑप्शन दिख रहा है, गाइज आपको 3 times इस पर क्लियर कैच करना है। जी हाँ गाइज, आपको 3 बार क्लियर कैच करना है, और क्लियर कैच कर देने के बाद सेंड रिपोर्ट का ऑप्शन नीचे देख सकते हो, यहाँ पे आपको रिपोर्ट सेंड कर देना है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्टिंग हो रहा है। तो गाइज रिपोर्टिंग देख सकते हो यहाँ पे रिपोर्ट सक्सेसफुल हो चुका है। और गाइज हो जाने के बाद नोटिफिकेशन में चले जाना, और जाने के बाद गाइज देख सकते हो क्विक मैसेज का ऑप्शन दिख रहा है, गाइज वो ऑफ है, उसको ऑन कर देना है आपको। ऑन कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, ऐसे कट कर देना है, और कट करके फिर से आपको क्या करना है, अपने सेटिंग में चले जाना, और जाने के बाद गेम को लॉग आउट कर देना है। तो गाइज वीडियो को एंड तक बना रहना, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करना, वरना एक स्टेप मिस करते हो तो ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा। तो गाइज ये कर देने के बाद आपको क्या करना है, फिर से अपने उसी आईडी को लॉगिन करना है जिसमें आपको चाहिए गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट करना है, उसी आईडी को लॉगिन कर लेना है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसी आईडी को लॉगिन कर लिया, और लॉगिन कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, ऐड को बिल्कुल बारी बारी से आपको कट कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐड को कट कर दिया, और कट कर देने के बाद गाइज आपको क्या करना है, फिर से अपने सेटिंग में चले जाना है। तो फाइनली गाइज यहाँ पे मैंने अपने सेटिंग में आ चुका हूँ। आने के बाद गाइज आपको फिर से एक बार और क्लियर कैच कर देना है, और क्लियर कैच करने के बाद सेंड रिपोर्ट एक बार और आपको कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने सेंड रिपोर्ट एक बार और कर दिया, और कर देने के बाद गाइज यहाँ से कट कर देना, कट करके आपको बैक चले जाना है। और गाइज आपको बाद इसके क्या करना है, फिर से अपने टॉपअप वाले सेक्शन पर चले जाना है, और जाने के बाद से फिर से आपको टॉपअप पर क्लिक करना है। टॉपअप पर क्लिक करने के बाद 80 रुपीज़ पर आपको 80 रुपये पर गाइज आपको फिर से एक बार क्लिक कर देना और कट कर देना है। तो गाइज कट कर देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से बैक चले जाना, और फिर से अपने सेटिंग में जाना, और गेम को लॉग आउट कर देना है। तो गाइज गेम को लॉग आउट कर देने के बाद अब फिर से आपको उसी आईडी को लॉगिन कर लेना है जिसमें आपको गोल्ड कॉइन को डायमंड में कन्वर्ट करना है। तो गाइज देख सकते हो यहाँ पे मैंने उसी आईडी को लॉगिन कर लिया, और गाइज लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऐड को बिल्कुल बारी बारी से कट करना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे ही ऐड को कट किया, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरा गोल्ड कॉइन है जो बिल्कुल डायमंड में कन्वर्ट हो चुका है, और गोल्ड 0 हो चुका है। तो गाइज आप लोग ये देख सकते हो मैंने बिल्कुल लाइव प्रूफ किया आप लोगों के सामने। तो गाइज वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।